एसडीएम बस्ती सदर गुलाब चंद ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया कक्ष निरीक्षक। नकल कराते हुए पकड़ा गया कक्ष निरीक्षक। बस्ती कोतवाली में मुकदमा हुआ दर्ज। सेक्टर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर हुआ मुकदमा दर्ज। लल्ला प्रसाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कक्षा निरीक्षक एक छात्रा को नकल करा रहा था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की 1998 के तहत धारा 7 और 10 का मुकदमा दर्ज किया है। आज जनपद बस्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज पहले दिन 17 फरवरी को उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में दूसरी मीटिंग में एक कक्ष निरीक्षक संदिग्ध पाया गया है। इस संबंध में पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से कई बार रिमाइंड किया गया कि इस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध है। उसके क्रम में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और यहां पर केंद्र पर तैनात है केंद्र पर्यवेक्षक जो पुलिस तरफ से लगाए गए हैं, उनके द्वारा जब ये प्रारंभिक जांच की गई तो उस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जो एक परीक्षार्थी महिला परीक्षार्थी को कुछ गोपनीय चीजें नोट करा रहे थे जो अवैध था, अनाधिकृत था और गोपनीयता भंग करने के बराबर था, जो नकल कराने की प्रथम दृष्टिया श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर संबंधित कक्ष निरीक्षक लल्ला प्रसाद चौधरी के विरुद्ध कोतवाली बस्ती में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं या इस प्रवृत्ति की करता पाया गया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इसी तरीके से पंजीकृत कराया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।